हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। ज्योतिष, सरल ज्योतिष पे एक बहुत अच्छा वीडियो आज मैं दे रहा हूँ आपको, और भाव परिचय इसमें बताया जाएगा, भावों की विशेषता बताई जाएगी। आप लोग उसको ध्यान से सुनिए, बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ज़रूरत पड़ने पर संपर्क कर सकते हो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुरुवन्ति सर्वे मम सुप्रभात। एक श्लोक से सभी नौ ग्रह की शांति। ध्यानम ओम गम गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्न गुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान कृष्ण को प्रणाम। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ठीक है, तो ये कुछ श्लोक है जो आप डेली की पूजा प्रार्थना में ले सकते हो। पूरा जो वीडियो है इसी टेवा पे आधारित है, मैंने एक ही टेवे पे सब लिख दिया है। ठीक है, और कोई ये ना सोचे कि भैया ये तो मेष लग्न की कुंडली। ना, मेष लग्न की कुंडली नहीं है, भाव परिचय है काल पुरुष का। ठीक है, काल पुरुष की कुंडली है ये बोलोगे तो ठीक है, लेकिन मेष लग्न नहीं है ये। ठीक है ना, काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न से बनती है तो ये काल पुरुष की कुंडली है। क्या मैं बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता है कि भावों का परिचय कैसे करें, किस किस भाव को क्या क्या बोलते हैं। जैसे लग्न को ले लेते हैं, तो लग्न को त्रिकोण बोलते हैं। ठीक है, और जब आप लग्न को त्रिकोण बोलते हो तो बोले कि और साहब और कोई त्रिकोण है क्या। हाँ, और त्रिकोण है लग्न के अलावा, फिर ये जो है ना ये त्रिकोण होगा पंचम, इसके बाद ये नवम त्रिकोण होगा। लघु पराशरी में मैंने बताया हूँ कि आगे अपने आप में उत्तरोत्तर बलि होते, तो नवम त्रिकोण बलि है। इस लग्न, इस त्रिकोण को क्या क्या बोलते हैं साहब, इसको इस भाव को और क्या क्या बोलते हैं। इस भाव को हम बोलेंगे कंटक भाव। ठीक है, और विष्णु भाव भी बोलते हैं। ठीक है, और धर्म त्रिकोण भी बोलते हैं। तो पहले हम कंटक पे बात कर लेते हैं, और कौन कौन से कंटक भाव है। जितने भी केंद्र है सबको हम कंटक बोलते हैं। ठीक है, ये पहला कंटक, ये लग्न, और इसके बाद दूसरा कंटक, ये पहला कंटक है, दूसरा कंटक, तीसरा कंटक या चौथा कंटक, सब जगह लिखा है ये कंटक भाव। कंटक, कंटक और कंटक भाव, ये कंटक, चार कंटक भाव होते हैं। ठीक है, अब इसको केंद्र बोलते हैं, कन्फ्यूज ना हो, सिर्फ केंद्र है। ठीक है, और इसी केंद्र को विष्णु स्थान भी बोलते हैं। ये लिखा है यहाँ पे, ये भी विष्णु स्थान है, चौथा भी विष्णु स्थान है, सातवां भी विष्णु स्थान है, और जो है दसवां शुभ, सबसे शुभ विष्णु स्थान है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद इसको साहब धर्म त्रिकोण क्यों बोलते हैं, धर्म से इसका क्या लेना है। देखो, और धर्म और त्रिकोण, देखो इससे पहला हो गया ये धर्म त्रिकोण, फिर इससे ये दूसरा धर्म त्रिकोण, और इससे ये तीसरा धर्म त्रिकोण। तो तीन ही धर्म त्रिकोण हैं, लग्न पंचम नवम। ठीक है, इनको हम त्रिकोण बोलते हैं, धर्म त्रिकोण। फलित ज्योतिष में ये धर्म त्रिकोण का अपना अलग महत्व है, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण पंचम और नवम त्रिकोण भी कहलाते हैं और लग्न त्रिकोण भी कहलाते हैं। तो सबसे शुभ होते हैं, इनके स्वामी सबसे शुभ होते हैं। ठीक है, वैसे केंद्र के स्वामी भी शुभ होते हैं। यहाँ मैं लघु पराशरी की बात नहीं कर रहा हूँ कि पाप ग्रह सुबध होंगे, शुभ ग्रह अशुभ होंगे, वहाँ नहीं, केवल मैं उपभावों के नाम बता रहा हूँ। हम दूसरे भाव चलते हैं। देखो, दूसरे भाव और बारहवें भाव को नेत्र भाव भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये दूसरा भाव, ये नेत्र भाव है। देखो, ये नेत्र भाव और ये नेत्र भाव। तो दूसरे और बारहवें को नेत्र भाव क्यों कहते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि इन स्थानों पे नेत्र भाव में यदि सूर्य हो, प्रकाश ग्रह है, सूर्य हो, चंद्रमा हो, शनि हो, मंगल हो, बहुत पाप पीड़ित हो, द्वादशेश और धनेश बहुत पीड़ित हो, तो कई बार आंखों की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जैसे कांड योग जब आप पढ़ोगे तब तो इसमें इसका द्वितीयेश और द्वादशेश के पीड़ित होने पे आंखों की बीमारी होती है। कांड बोलते हैं शुक्र को, तो शुक्र नीच का जहाँ होता है वो कांड योग होता है। अब मैं इसको, अभी मैंने कुंडली लगाया नहीं पाया हूँ, जस्ट मैंने अभी 2-3 दिन पहले ये कुंडली देखा था, जातक जो है टेक्सास यूएसए से बात कर रही थी, उसका ना शुक्र यहाँ पे नीच का है, ये दूसरे भाव में शुक्र नीच का था यहाँ पे। ठीक है, तो उसको, उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, रेटिना खराब हो गया था, बड़ी आंखों को लेके चिंतित है वो। ठीक है, तो शुक्र का भयंकर पीड़ित होना, और यदि वो दूसरे और बारहवें स्थान से
सही कनेक्शन हो जाए तो भी दिक्कत होती है। और कई बार हमको लिखा है कि 12वें स्थान पे पाप ग्रह होते हैं तो भी आंखों में तकलीफ आती है। तो जब आप कुंडली देखो तो दूसरे और 12वें भाव को विशेष देखो कि कहीं यहाँ शनि मंगल तो नहीं है, कहीं यहाँ पे सूर्य चंद्रमा बहुत पीड़ित तो नहीं है, शुक्र तो पीड़ित नहीं है। ऐसे में आंखों की प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो दूसरे भाव का बारे में बताया कि नेत्र भाव, और इसी को पणफर बोलते हैं। अब ये पणफर क्या है मैं नहीं जानता यार। ठीक है, मेरे से मत पूछने कि पणफर क्या है। तो दूसरे को पणफर बोलते हैं, इसके बाद पणफर बोलते हैं 5वें को। ठीक है, इसके बाद पणफर बोलते हैं 8वें को। ठीक है, और इसके बाद पणफर नाम है सीधे 11वें का। तो ये पणफर का मैं यूज़ पुरानी किताबों में लिखा है, मैंने कोशिश किया है कि पणफर क्या होता है यार, यार ये ओपोक्लिम क्या होता है यार, इनको मैं जानने का प्रयास किया हूँ कि ये अपोक्लिम क्या होता है, तो मेरे को कोई अच्छे नतीजे नहीं मिले, कोई एग्जैक्ट क्लियर कट डिफिनेशन नहीं मिली कि पणफर का मतलब ये है, अपोक्लिम का मतलब ये है, इसका एस्ट्रोलॉजी में ऐसे फलित में यूज़ करेंगे, नहीं मिला। ठीक है, तो ये पणफर है, मैंने इसको बनाने के पीछे कोई रीजन है, ये पणफर स्थान है। द्वितीय स्थान भी बोलते हैं इसको, और ये धन का स्थान है, मारक स्थान है, यही कुटुंब स्थान है। नेत्र भाव भी बोलते हैं, धन का कारक है, और जो है कुटुंब स्थान है, द्वितीय भाव है, मारक स्थान है। इसकी दशाओं से जब चलती है, या तो बहुत ओल्ड एज हो जाता है, वो अपनी आयु पूरी कर लेता है तो मृत्यु हो जाती है, या फिर और दूसरे भाव। ठीक है, मृत्यु तुल कष्ट। और इसी को सम भाव भी बोले, सम भी लिखा है मैंने, देखो ये सम भाव, इसको भी सम लिखा है मैंने और इसको भी सम लिखा है मैंने। ठीक है, क्यों? लघु पार्श्वी बोलते हैं इसके जो भावेश हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जहां जाते उसके अनुरूप फल देंगे। चलो लघु पार्श्वी में बीच में घुसड़ देता हूँ। तीसरे भाव को क्या बोलते हैं? तृतीय भाव, पराक्रम भाव, छोटे भाई बहनों का भाव, इसको उपचय बोलते हैं। मतलब उपचय में तो अंग्रेजी में क्या होगा? बढ़ोतरी। ठीक है, वृद्धि, वृद्धि होती है। जब ये भाव का स्वामी कहीं जाता है ना, तो अपनी वृद्धि लेके जाता है, अपने ट्रेड लेके जाता है, और उस भाव की वृद्धि करता है। ठीक है, अब यहाँ वो चले जाएगा तो क्या करेगा भाई? ये मान के चलो इसका स्वामी यहाँ आ गया तो क्या करेगा? वृद्धि का वृद्धि में गया तो भाव की उपचय करेगा, तो आपका छठा भाव मजबूत होगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ताकत पैदा होगी, दुश्मनों से लड़ने के लिए, रोग ऋण बीमारी से, जीवन के संघर्ष से लड़ने की ताकत पैदा होगी, बड़ा पॉजिटिव होता है सहयोग। लेकिन यहाँ चले जाएगा तो आपके जॉब में संघर्ष कर देगा, आपके ये पराक्रम तो करेगा लेकिन बहुत संघर्ष कर देगा। ठीक है, तो इस योग को भी खल माना है। ऐसे जो योग है मालूम है, तीसरे का स्वामी 10वें में और 10वें का तीसरे में, खल योग माना ऋषि पाराशर ने, शुभ योग नहीं है ये। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि इसको सहज भाई बोलते, तृतीय भाव, काम त्रिकोण भी बोलते। काम त्रिकोण मतलब ये अपने जो सप्तम भाव है उससे रिलेटेड है काम त्रिकोण। तो त्रिकोण का मतलब तो पांचवा होता है, तो इससे जो भी पांचवा होगा, 1, 2, 3 और 4, ये पांचवा, ये काम त्रिकोण। इससे जो होगा वो भी काम त्रिकोण होगा, पंचम, 1, 2, 3, 4 और ये पांच। देखो यहां पे भी लिखा होगा काम त्रिकोण लिखा है, और इससे जो होगा वही वही यहीं पे आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो काम त्रिकोण कौन कौन से होते हैं, काम त्रिकोण पे बात कर लेते हैं थोड़ा। जनरली क्या होता है कि काम त्रिकोण के जब हम बात कर रहे हैं तो तीसरा लग्न कुंडली से तीसरा छठा नौवा भाव काम त्रिकोण होता है। ठीक है, और इसी तरीके से धर्म त्रिकोण होता है, पहला पांचवा नौवा भाव। ठीक है, पहला लग्न से पहला पांचवा नौवा ये धर्म त्रिकोण होता है। इसी प्रकार अर्थ त्रिकोण होता है मो, ठीक है, इसको बोलते हैं दूसरा छठा और दसवा। यहाँ सब भावों में लिखा है, दूसरे भाव में देखो अर्थ त्रिकोण लिखा है। ठीक है, और इसके बाद छठे भाव में देखो अर्थ त्रिकोण लिखा है। ठीक है, और इसके बाद 10वें भाव में अर्थ त्रिकोण लिखा है। त्रिकोण मतलब दूसरे से पांचवा अर्थ त्रिकोण, पांचवें से पांचवा अर्थ त्रिकोण, ये फिर पांचवें से पांचवा जाएगा। तो ये अर्थ त्रिकोण मतलब ये मेटेरियल गेन देता है, ये अर्थ काम धंधा रुपये पैसे से मतलब इसका वास्ता। इस भाव के स्वामी का मतलब क्या है और इस भाव का मतलब क्या है? रुपया पैसा। अब धर्म में त्रिकोण में क्या आएगा? ये लग्न पंचम और ये धर्म त्रिकोण है, इसका वास्ता धर्म से है, ज्ञान से है, अच्छी बातों से है। ठीक है, अब फिर मोक्ष त्रिकोण बोलता है, चौथा चौथे भाव को कौन कौन से भाव है? चौथा भाव, आठवां भाव और
और 12वां भाव, ये मोक्ष त्रिकोण है। तो क्या मोक्ष त्रिकोण की दशा लगती है? जब 8वीं की लगती है तो पूरी लाइन लुट जाती है, आदमी पूर्णतः बर्बाद हो जाता है। तो क्या बर्बाद होना मोक्ष की ओर जाना है, या जब सुखेश सुखेश की दशा लगती है तो आदमी सुखी होता है? क्या आध्यात्मिक सूक्ष्म मोक्ष है, या सब कुछ खर्च हो जाता हमारे जीवन में? व्यय की दशा लगी तो क्या सब कुछ खर्च हो जाना मोक्ष है? ये बहुत गहरी जो स्टडी की बात है। हो सकता है कि आपकी सुखेश की दशा लगी और सब कुछ बर्बाद हो गया, कि भाई मोक्ष त्रिकोण है, मोक्ष तभी मिलेगा जब सब सब कुछ खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये गंभीर मंथन का विषय है। तो ये मैंने मोक्ष त्रिकोण की बात यहाँ बताई आपको। ठीक है, अब हम नए सिरे से फिर चलते हैं, हम तीसरे भाव में ही जाएंगे। इसको हमने त्रिष्टाय भी बोला है। त्रिष्टाय मतलब किस किस भाव को त्रिष्टाय बोलते हैं? तीन, फिर से बताता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा यार, है बहुत काफ़ी मज़ेदार लगे। तीसरा भाव, छठा भाव और 11वें भाव को त्रिष्टाय बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये त्रिष्टाय, अब त्रिष्टाय के विषय में लघु पराशरी मैंने खूब बताया। अब मैं उपचय भाव के बारे में बताता हूँ। उपचय भाव क्या है? उपचय का क्या मतलब होता है? उपचय मतलब वृद्धि हो जाना। ये उपचय है, ये छठा उपचय है, और जातक तत्व में बोला कि 10वां भी उपचय है मेरे भाई, ये 10वां भाव भी उपचय। तीसरा, छठा, दसा, 11, उपचय मतलब वृद्धि होना। तो उपचय का कोई बहुत नेगेटिव बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब त्रिष्टाय बोलता है तो त्रिष्टाय के स्वामी जहां बैठेंगे उसका फल नाश कर देंगे बोलता, ठीक है। और नहीं, दुष्ट स्थान के स्वामी, दुष्ट स्थान कौन सा अभी आगे बताऊंगा। ठीक, अब यहां तक पहुंचे, इसके बाद ये विष्णु स्थान भी बता दिया। देखो, चौथे स्थान को चतुरस भी बोलते हैं। ठीक है, चतुर्द्भाव, मोक्ष त्रिकोण, कंटक, अब इसको विष्णु स्थान भी बोलते हैं। देखो, ये है सारे सारे केंद्र है विष्णु स्थान, जितने ये केंद्र है चारों, ये सब विष्णु स्थान है। ठीक, जितने चारों केंद्र है ये विष्णु स्थान है। तो विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान का जब योग हो जाए तो राजयोग, ये विष्णु स्थान हो गए साहब। और दूसरे विष्णु स्थान कौन होंगे? दूसरे विष्णु स्थान लक्ष्मी स्थान हो गया, ये लक्ष्मी स्थान, ये लक्ष्मी स्थान। ठीक है, 5वां और 9वां लक्ष्मी स्थान हो गया। तो होता क्या है, कैसे योग बनते हैं? जब विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान का कॉम्बिनेशन हो जाए, ये ऐसा हो जाए, योग बन गया साहब, ये ऐसा हो जाए, योग बन गया साहब। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाए, योग बन गया साहब। ठीक है, ये इस तरीके से लक्ष्मी और स्थान और विष्णु स्थान को शुभ माना है, सबसे शुभ लक्ष्मी स्थान को माना है। अब आगे बढ़े, पंचम स्थान, लक्ष्मी स्थान, त्रिकोण बोलते हैं, पुत्र भाव बोलते हैं, बुद्धि यहीं से देखा जाता है, पणफर भी बोलते हैं, धर्म त्रिकोण। मैंने आपको पणफर और उपोक्लिम के बारे में बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, नहीं पता मुझे यार, हर चीज थोड़ी पता हो सकती। छठे भाव को शत्रु भाव, षष्ठम भाव, त्रिष्टाय, और इसी को त्रिक भी बोलते हैं। देखो, त्रिष्टाय, अब तीन जगह त्रिक मिलेगा आपको, केवल तीन जगह त्रिक, ये है त्रिक, ये है त्रिक और ये है त्रिक, 6, 8, 12, इसको दुष्ट स्थान भी बोलते हैं। और तो और कहते हैं कि साहब इसका स्वामी, इसका स्वामी कहीं त्रिक का जहां बैठ जाए उसके भाव का नाश करेगा, जहां बैठ जाए उसके भाव का नाश करेगा, जहां बैठ जाए उसके भाव का नाश करेगा, यहाँ आ जाए इस भाव का नाश करेगा, यहाँ आ जाए इस भाव का नाश करेगा, यहाँ आ जाए इस भाव का नाश करेगा। आप समझ में आए त्रिक को क्यों खराब बोलते हैं? फिर से बता देता हूँ, तीन स्थान त्रिक स्थान है, इनके स्वामियों के बारे में बहुत नेगेटिव बात कही जाती है ज्योतिष में। ये है त्रिक स्थान, इनके स्वामी जहाँ बैठते हैं उस भाव के फलों का नाश करते हैं। अब आगे बढ़े, त्रिक हो गया। अभी उपकुलम मेरे से पूछना, उपकुलम मैं ही समझ रहा हूँ। जब मैंने ज्योतिष 2007 में सीखी थी ना, तो मैं नेमीचंद शास्त्री की किताब पढ़ता, उसमें उपकुलम लिखा, तो मैं तो बोला यार मैं तो पूर्णतः पागल हो जाऊंगा इस उपकुलम पणफर से यार। मैंने भविष्य में देखा उसका कहीं उपयोग नहीं मिला मेरे को। अरे बड़े बड़े 30 मार्का की किताब मैंने पढ़ डाली यार, कहीं मेरे को उपकुलम और ये पणफर का नहीं मिला। ठीक है, तो छोड़ो यार, नाम का नाम है, बकवास है, होगा आप लोगों को बता देना साहब, इसकी भयंकर दो दो दस दस पेज की कहीं डिटेल है उपोकुलिम की, उपचय की, तो ऐसी कोई किताब हो तो बताना यार, मैं तो पढ़ के ज्ञान अर्जन कर लूंगा। अब सप्तम भाव, सप्तम को केंद्र बोलते हैं, केंद्र तो जानते ही हो आप, ये सप्तम भाव केंद्र का भी स्वामी, इसलिए केंद्र भाव। ठीक है,
इसी को विष्णु स्थान भी बोलते हैं, इसी को मारग स्थान भी बोलते हैं, इसी को काम त्रिकोण भी बोलते हैं, इसी को दारा भाव भी बोलते हैं, पत्नी का भाव, ये कंटक भी है। ठीक है, अब कहोगे साहब कि ये मारक कैसे हो गया, कौन सा बड़ा मारक होता है? इसमें बड़े झगड़े हैं। लघु पारसी बोलता है दूसरा सबसे बड़ा मारक है, कहीं बोलता नहीं सातवां मारक है। तो दूसरे भाव को ही सबसे बड़ा मारक आप मान सकते हो। ठीक है, मारक भाव की दशाएं यदि हमको कब लगती है, जब हमारा जीवन प्रारंभ हो रहा हो, हमारे कैरियर स्टार्ट हो रहा हो, और मारक भाव की दशा लगती है ना, तो वो कभी कभी हमको तो नहीं मारती, हमारे काम धंधे को ही मार देती है। ठीक है, मारने का मतलब आपको शरीर को मारना नहीं है, आपके काम धंधे को मार देती है, रोजगार को मार देती है। ठीक है, ऐसे भी अर्थ आते हैं। अब आठवां भाव, इसको मोक्ष भी बोलते हैं, अष्टम भाव मृत्यु भाव, पणफर त्रिकस्थान सबसे खराब स्थान, और सम भी लिख दिया है। देखो बड़ा चालू है यार ये ऋषि मुनि भी, देखो इसको यहाँ क्या लिख दिया, सम भाव। ठीक, ये लघु पारसरी में नहीं आएगा सम, ये ऋषि पारसन ने लिखा है कि दूसरा दूसरा बारवा और आठवें के स्वामी सम होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, जैसे कि इसका स्वामी यहाँ बैठ गया, ठीक है, तो ये अपने फल तो नहीं देगा, इसके अनुरूप फल देगा, कैसे फल देगा, नेगेटिव देगा। ठीक है, उसी तरीके से बारहवें का जब स्वामी यहाँ आ जाएगा तो दसवें का फल देगा, बहुत नेगेटिव नहीं होता वो। ठीक है, और ये दूसरे भाव का स्वामी बहुत नेगेटिव नहीं होता, सबसे नेगेटिव आठवां यार, सबसे खराब यदि कोई ग्रह है, हाउस है, तो वो तो एक तो ग्यारहवा होता है और दूसरा आठवां होता है। ठीक है, और छठा भी बहुत खराब होता है, क्षेत्रिक है ना ये, और इसमें भी त्रिक में भी सबसे खराब त्रिक ये है। मैंने तीन त्रिक बताए आपको, एक त्रिक ये है, सॉरी एक त्रिक ये है, एक त्रिक ये है और एक त्रिक ये है। त्रिकों में सबसे खराब त्रिक कोई होता है, सबसे हिंसक क्रूर कोई होता है तो अष्टमेश होता है, याद रखना। इसलिए शास्त्रों में बोलता है अष्टमेश की दशा चले तो भगवान मालिक, कुत्ते में बैठे आदमी को, ऊंट में बैठे आदमी को कुत्ता चाप दे। ठीक है, कुत्ते में क्या बैठेगा यार, कुछ भी गलत बता रहा हूँ। ठीक, अब हो गया नौवा भाव, धर्म भाव, इसको जानते ही हो, ओपोकुलम के बारे में मेरे से नहीं पूछना। धर्म त्रिकोण, लक्ष्मी स्थान और शुभ, सबसे सबसे शुभ त्रिकोण। ठीक, अब इसको बोलते हैं कंटक, चार कंटक है, एक दो तीन चार। इसको अर्थ त्रिकोण, मतलब इसकी दशा आएगी तो पैसा मिलेगा, अर्थ मिलेगा यार, विष्णु भगवान सबसे पवित्र, उपचय, यहाँ कोई प्लानिट होगा तो क्या होगा, उसका उपचय होगा। आपको यहाँ बैठ जाए तो ये प्लानिट, धन का भाव यहाँ आ गया तो, धन का प्लानिट यदि आ गया तो क्या होगा, ये जो धन वाला प्लानिट है धनेश, यहाँ आ गया तो क्या होगा। ए भाई सुधरना, क्यों बार बार वो आ रहा है यार, ये सॉफ्टवेयर चलाना भी बड़ा कठिन। हाँ, धन का प्लानिट यहाँ आ गया तो क्या होगा, अरे भाई उपचय में आया, उपचय में ये उपचय। ठीक है, तो क्या करेगा, धन का उपचय करेगा, आपके काम का उपचय करेगा, उपचय कर देगा, वृद्धि कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया दसवां भाव। ग्यारहवा चले, इसको फिर काम त्रिकोण, इसको फिर बोल रहा है कि काम त्रिकोण है भाई ये। ठीक है, और ये पणफर है, ठीक है, और ये उपचय है, और ये त्रिष्ढाय है, लाभ है। ठीक है, एकादश भाव है, बड़े भाव, बड़े भाई का भाव। ठीक है, सब गेन, सभी प्रकार का, ऑल टाइप गेन ये। तो हम क्या समझें, एक और खास बात मैं बता देता हूँ कि देखो तीसरे छठवें और बारहवें के भाव के स्वामियों का नेगेटिव बताया है, तीसरे, सॉरी, ध्यान से सुनिए इस चीज को, क्या सुनना ध्यान से, तीसरे या तीसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, इसके भाव का स्वामी खराब है। ठीक है, लेकिन ये भाव खराब नहीं है, यहाँ बैठे पाप ग्रह अच्छे फल देते हैं, ये सस्टेज जहाँ जाएगा ना, ये सस्टेज जहाँ जाएगा वहाँ नुकसान करेगा। सस्टेज यहाँ गया तो बुद्धि भ्रष्ट करेगा, और यहाँ गया तो पत्नी के घर को खराब किया, और यहाँ गया तो ये पिता के भाव को, धर्म भाव को खराब किया, काम धंधे को खराब किया, शरीर को खराब किया, सुख को खराब किया। ठीक है, और ये जो, इसके अलावा इसमें कुछ विशेषताएं भी होती हैं, क्या विशेषताएं होती है भाई, इसका स्वामी यहाँ आएगा तो छठे भाव को खराब नहीं करेगा, उपचय करेगा, ताकतवर बनाएगा आपको, इसका स्वामी यहाँ जाएगा तो योग हो जाएगा, ये भी योग की श्रेणी में है और ये भी योग की श्रेणी में,
तीसरे का 11 में जाए, 11वें का तीसरे में जाए, ये आपस में उपचय में जाएं, तो ये इसको विपरीत योग बोलते हैं। ये शब्द कहाँ से सुनोगे आप? ये माननीय के गोयल साहब जो है, बीपी गोयल एस्ट्रोलॉजर है दिल्ली के, आप जानते हैं, इनके वीडियो आते रहते हैं। वो श्रद्धा मैडम है, और जो है नहीं नहीं कौन सी, अनुराधा मैडम, और तो और निम्मी मैडम, आजकल दो और महिला मंडल है उनके में आते हैं, वीडियो में आते हैं, वो अच्छा ज्ञान देते हैं। और सरल ज्योतिष बताते हैं, सरल ज्योतिष पे किताब भी लिखी, मैंने भी पढ़ा है, भयंकर सारा उनका मैंने पढ़ा है। अब क्या क्या अप्लाई करें यार, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है जब तक हजारों कुंडली में कोई चीज़ें एप्लीकेशन ना हो जाए तब तक उसको हम सूत्र नहीं मानना चाहिए। तो दो चार कुंडली में आप बता दिए विच रिच लोगों की या स्वयं की कुंडली में, एकदम से उसको हम सूत्र मानने में उनको तकलीफ होती है। जब हम उसको एप्लीकेशन करते हैं तो कई बार नहीं होता वो, ठीक है। अरे गरीबों की कुंडली में लगाओ ना मेरे भाई योग, जाओ हॉस्पिटल से ओरिजिनल गरीबों की कुंडली लेके आओ, ठीक है, उसमें लगाओ आओ, तब पता लगेगा। तो कई बार बड़ी तकलीफ हो जाती है, अंधाधुंध योग नहीं लगाना, नहीं तो जूते पड़ेंगे, ठीक है। कोई कोई भी सूत्र आप टीवी में ना, कोई भी सूत्र देख लो आप, मैं भले मेरा भी देख लो, उसको आप ना 10-20 कुंडली में लगाओ, इसके बोले अरे यार आप सही बोलते हो, ठीक है। और नहीं तो लिखो कमेंट में, ये तुम्हारा बकवास योग है, ये नहीं है फलित होता, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या होगा, जो वीडियो बना रहा है वो ही थोड़ा सचेत होगा, है ना। अभी मैं आपको चंद्रमा से बनने वाले योगों के बारे में बताऊंगा, इस वीडियो के बाद में एक नया वीडियो बनाऊंगा। अब मैंने पहुंचा था 11वें तक, अब मैं 12वां पहुंचूं, 12वें भाव के बारे में क्या है, 11वां हो चुका था, 12वें पहुँचते हैं, 12वें भाव, इसको बता दिया कि साहब इसको हम नेत्र भी बोलते हैं, ये जो नेत्र भाव है, ठीक, और इसको भी नेत्र बताया था। तो यहाँ पे यदि शनि मंगल हो और भी पाप पीड़ित ग्रह हो तो कई बार आंखों में प्रॉब्लम आती है, यही मोक्ष भी है। जब हमारा सारा कुछ खत्म हो जाएगा जीवन में तो मोक्ष मिल गया, ठीक है। ये हमको त्रिक स्थान का स्वामी है, इसी को सैया सुख भी बोलते हैं। ये स्थान बहुत पीड़ित हुआ तो आदमी का परिवार खत्म हो जाता है, सैया सुख, ठीक है। आदमी जो काम वासना का सुख यहाँ से देखा जाता है, समय और पुकलिम है और त्रिक स्थान का स्वामी है, ठीक है। तो मैंने एक ही टेबे में आपकी पूरी कहानी लिख दी है, इसको मस्त आप जो है ना अपने पेपर में लिख लो और इसका मंथन आप करो, और इससे ज्योतिष आप सीखो कि यार सब, अब ये क्या सीखोगे कि यार ये जो स्वामी हैं, ये जो स्वामी हैं, ये इसको बोलते हैं त्रिक, और त्रिक का स्वामी जहाँ जाता है उस स्थान को, उस भाव के फल को कम करता है। लेकिन वीडियो बनाने वाले ने ये भी बता दिया कि भैया देखो इसके स्वामी 6, 8, 11 के स्वामी खराब होते हैं, इसके स्वामी खराब होते हैं, ठीक है, इनके मालिक, ठीक है, ये स्थान नहीं, ये जो स्थान है 3 से 11, ठीक है, इसकी खराब होने के लिए नहीं बोला कि ये स्थान खराब है, 6ठा खराब है साहब, 11वां खराब नहीं, यहाँ पे पाप ग्रह बैठेंगे तो अच्छे फल देते हैं। तो ऐसे बहुत अच्छे से समझ के, वीडियो ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार भी देखना चाहिए, ठीक है, और इसके बाद इत्मीनान से डिसीजन पे आना चाहिए। इसलिए एस्ट्रोलॉजर के बारे में बोलता है कि जितना एक्सपीरियंस वाला एस्ट्रोलॉजर होगा वो उतना जीवन में तरक्की करेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने एक कुंडली देखता हूँ, कौन सी लगन की, सिंह लगन की, 5, 6, 7, 8, 9 सिंह लगन की कुंडली, मैं आपको एक टेवा बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सिंह लगन की कुंडली मिल जाएगा मेरे पास, मेरा टेवा सब रेडीमेड रहता है भैया मेरे, ठीक है, कहाँ शिवनगर टेवा, ये आ गया टेवा, ठीक है। इसमें मैं देखता हूँ यार कि ये यहाँ पे यदि गुरु चले जाए, ठीक है, कितनी गलत बनी क्या यार सिंह लगन, नहीं नहीं सिंह लगन की कुंडली नहीं मेरे भाई, ये तो है, देखो बोल कुछ रहा था, कुछ कर रहा था मैं ना, ऐसे हो जाता कई बार, फिर बोलता अरे यार तुम बकवास करते हो वीडियो में, ना ऐसे बोलता तो कोई नहीं, लेकिन कुछ कुछ लोग देखते हैं बोलते हैं तुमने गलत बता दिया, गलत नहीं होता, कभी कभी हाथ कुछ और चलता है, दिमाग कुछ और चलता है, हाथ कुछ और चलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको पकड़ते, ये है यहाँ पे नवमेश, और गुरु यहाँ उच्च का होता भाई, ठीक है, मेरी स्टडी में ये आया है, ठीक, आप लोग भी स्टडी कर सकते हो इसकी, कि यार ये जो गुरु है, गुरु महाराज है, हट भाई, ये गुरु महाराज, ये गुरु महाराज यहाँ बैठ गया तो उच्च का हो गया, ठीक है। तो मैंने देखा है कि ऐसी कुंडलियों में सिंह लगन की जहाँ 12वें स्थान पे गुरु उच्च का है वहाँ वैवाहिक जीवन में बड़ा कष्ट है। एक ऐसी कुंडली आई जिसकी शादी के 20 साल हो गए और 20 साल बाद अब वो तलाक ले रहे, 2 बच्चे भी हो गए, विदेश में रहते हैं, ठीक है, खूब पैसे छाप रहे हैं,
लेकिन नहीं साहब, हमको अब अलग होना है, सब कुछ खा पी लिए, खा खुजा लिए, अब अलग होना चाहते हैं दो बच्चा पैदा करके। तो ठीक हो जाओ यार तुम्हारी इच्छा, लेकिन यार ये ग्रह जाके उच्च के सैया सुख में, उच्च क्या हुआ है, सैया सुख है ये, और वहाँ साधु बैठेगा तो कभी नहीं पटेगी, साधु ग्रह बैठ गया सैया सुख। और दूसरी चीज आप सोचो ना यार, अष्टमेश यदि उच्च का हो जाए किसी का, साधना का ग्रह है, तो वो साधना में उसकी रुचि होगी यार, संतान पालन में क्या रुचि हो उसकी। ठीक है, हो सकता है कि मेरा जो अर्थ है वो लॉजिकली सही ना हो, लेकिन अष्टमेश का उच्च के होने के हजारों अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसी एक कुंडली नहीं देखी है, मैंने और भी कुंडली देखी है, और एक तो मेरे मित्र की कुंडली है, शादी हुई और 6 महीने धर्मपत्री रही और टूट गई उसकी शादी, तो उसकी भी सिंह लग्न की कुंडली है, तो उसकी तो लुगाई 6 महीने ही रही, और इनके साथ इनकी जो पार्टनर है 20 साल रही, और जो है बेचारा 20 साल पे अब कहता है पार्टनर, मेल पार्टनर, कि यार मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगा पंडित जी, मेरे पास कल ये कुंडली आई थी, मैंने बिल्कुल 100% बताया कि भाई तुम पार्टनर के साथ नहीं रह पाओगे, ये कुंडली बहुत खराब है, उसके पीछे में क्या रीजंस है मैंने जो बताया था। एक तो ये हो गया, ठीक है, ऐसे में होता। अब उसके पार्टनर की कुंडली के बारे में भी जानो आप। ठीक है, ये तो मैंने बोल दिया कि अरे उसके पार्टनर की कुंडली में झगड़ा आ रहा है, उसके जो पार्टनर की कुंडली थी उसको भी बताता हूँ, उसके पार्टनर की कुंडली थी कन्या लग्न की थी मेरे भाई। ठीक है, ये कन्या लग्न कैसे योग थे, ये मंगल महाराज यहाँ बैठे थे और शुक्र यहाँ बैठे थे। ठीक, अब मैं कैसे समझा, मैंने बुध को छोड़ दिया, मैंने कैसे समझा, मैंने बोला देखो यार वैवाहिक जीवन बहुत खराब होता है ऐसी कुंडलियों में। उसने बोला तब कैसे होगा बता, पहले तो पूरी उसने सुन लिया, पूरा परीक्षा किया, और वो केरल का व्यक्ति था और खुद एस्ट्रोलॉजर था। ठीक है, वही जहाँ TN Sessions का जन्म हुआ था, वही गाँव का था, पालघाट का, ठीक है, केरला में। तो उसने मेरा परीक्षा लिया और वो कहता कि मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ। उसने बोला कि आपने बिल्कुल सही बताया, मेरे को जो है विवाह के 20 साल बाद हम तलाक में जा रहे हैं। ठीक है, दो संतान हैं, लड़कियां हैं, दोनों विदेश में रहते हैं। ठीक, और वो ये बोलता है संजय, मैंने कैसे निकाला, मैंने ऐसे निकाला, मेरी सिंपल थ्योरी है ये, देखो ये अष्टमेश घुस गया, सिंपल जातक तत्व में लिखा है, त्रिक भाव के स्वामी जहां बैठेंगे उस भाव का नाश करेंगे। अब लघु पराशरी और कहती है, लघु पराशरी बोलती है कि गुरु को केंद्र का दोष लगेगा। ठीक है, लघु पराशरी समझो ना, गुरु को केंद्र का दोष लगेगा, और इस श्लोक में आया है, और तो और गुरु कहीं महाराज के स्थान पे ही बैठ जाए, यहाँ और यहाँ, तो वो अति ज्यादा दोष लगेगा। चलो इतना ही होगा, इसके बाद हम D9 में भी घुसे, अभी डिसीजन पे नहीं आए हैं, D9 घुसे हम, D9 में देखते हैं कि ये गुरु महाराज वहां नीच का हो गया है। D9 में देव केरलम में स्पष्ट श्लोक है, कोई ग्रह यदि लग्न में उच्च का हो या स्वराशि का हो, और वह ग्रह D9 में जाके नीच का हो जाए, ठीक है, तो वह D9 के अनुरूप फल देगा, नीच के फल देगा। ऐसे ही अभी एक दास जातक और है हमारा, जो हमारे रेगुलर संपर्क में है। ठीक है, उसका शनि महाराज यहाँ बैठा है, शनि में शनि की दशा चल रही है, और कहता साहब मेरा मालव योग, पता नहीं कौन कौन से योग बनते हैं, पंच महापुरुष योग, मैं तो ध्यान देता नहीं इन योगों का, भी ये फर्जी योग कभी बनते कभी नहीं बनते हैं। ठीक है, मैं ध्यान नहीं देता, तो जाता याद दिलाता, अरे महाराज ये इतना बड़ा योग बनना आप ध्यान नहीं देख रहे, हम तो सैकड़ों रोज ही देखते हैं, ऐसे ही हो गया, होना जाना कुछ है नहीं। हमने देखा कि वो पूछा जाता कि साहब मेरा तो बहुत बढ़िया योग हो रहा, हमने उनको याद दिलाया लघु पराशरी का 29वां श्लोक, कोई भी महाग्रह की दशा चले और उसी ग्रह की अंतरदशा भी चले, तो ग्रह फल नहीं देते, ग्रह फल तब देते हैं जब ग्रह की महादशा और दूसरे ग्रह की अंतरदशा में फल देते हैं। जातक तत्व तो सब बोलता है, ग्रह स्पष्ट बोलता है कि ग्रह जो है अंतरदशा में फल देते हैं यार, अब उसी ग्रह की दशा, उसी ग्रह की अंतरदशा फल नहीं आएंगे, बाबा जी का ठुल्लू, ठीक, फल नहीं आ रहे हैं। और तो और ये शनि महाराज D9 में नीच का हो गया है, दशा जाता कि अभी लगी है 6 महीने पहले, आज से लगभग 2 साल पहले से मेरे संपर्क में है वो व्यक्ति, और मैंने बोला देखो ये शनि तुम्हारा नीच का यार। ठीक है, उसी समय कलकत्ता का कुंडली
कुंडली मेरे को मेरे पास आया था, सेम ऐसे ही कुंडली था। मैंने बोला आपका शनि D9 में नीच का खराब फल दे गया, और बिल्कुल उस फलित से ही आया था, ठीक है, उसी को आधार मान के मैंने वो फलित किया, ठीक है। और यहाँ पे भी वो चीज़ सही आ रही है, क्योंकि शनि में शनि की दशा चल रही है, तो उसको रिजल्ट तो कुछ भी नहीं आने चाहिए, और शनि आ गया, उसका नीच का भी है, तो शनि शनि में तो उसको बहुत अच्छे नहीं फल आएंगे, आने भी नहीं चाहिए, आगे उसके जरूर अच्छे फल आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि वो श्लोक कहता है कि यदि सर आपकी उसी ग्रह की महादशा चले और उसी ग्रह की अंतर्दशा चले, तो कोई भी रिजल्ट ग्रह नहीं देता, यदि दे दिया तो फिर गंभीर मैटर है यार, इसमें फिर बाद में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, या तो बहुत पॉजिटिव हो जाए या बहुत नेगेटिव हो जाए, इस विषय में और अनुसंधान की जरूरत है। लेकिन जो एक दिल्ली के एस्ट्रोलॉजर है VP गोयल साहब, वो कहते हैं कि देखो यदि ऐसी स्थिति में क्या होता है, शनि शनि चले और यदि अचानक बहुत अच्छे फल दे देगा तो आगे बहुत खराब देगा, बोले यदि कुछ फल नहीं दिया तब तो ठीक है, बोले नॉर्मल रहा तब तो ठीक है, यदि बहुत अच्छे दे दिया तो बहुत तकलीफ है आगे, और बहुत खराब दे दिया तो भी फिर इंतजार करो कि आगे बहुत अच्छे दे सकता है। तो इस तरीके से ये 30 मिनट का था, और उम्मीद है कि ये उदाहरणों के साथ समझाई गई चीज़ें आपको कुछ पल्ले पड़ी होगी, और हमारे वीडियो जनता को कोई लाभान्वित करते होंगे, ज्योतिष के जो स्टूडेंट हैं उनको कुछ लाभ होता होगा। ज्योतिष का एक स्टूडेंट है गुजरात से, कल हमको फ़ोन किया, साहब मेरे को जो है ना आप ये बता दो कि मैं घर से निकलता हूँ तो मैंने माँ के पैर नहीं छुआ। मैं काफ़ी नाराज़ हुआ, मैंने कहा बेतुके प्रश्न करता मूर्ख, मेरी तो माँ मेरे साथ रहती नहीं है, चलो मेरी माँ मर जाए तो मैं क्या करूँ। तो ऐसे टोटकेबाज दिल्ली का सारा चैनल देखता हो और मेरे को भी फ़ोन लगा लेता है कभी कभी, तो घटिया प्रश्न। फिर साहब वो गाय शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए पक्का, मैंने बोला पत्रम पुष्पम फलम तो यम, गीता कहती 9:26, ठीक, पत्र पुष्प फल जल कुछ भी चढ़ा दो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वस्तुओं से भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो मेरे लेवल का ही नहीं है ऐसे आदमी, ठीक है, बिल्कुल नीचे है। मैंने उसको बोला दोबारा यदि घटिया प्रश्न करेगा तो मैं तेरा नंबर ही ब्लॉक कर दूंगा, ये बकवास मैं नहीं सुनता यार कि माँ के पैर नहीं छूके गया तो ये हो जाएगा, क्योंकि दिन भर तुम दिल्ली के टोटके वाले यदि वीडियो देखोगे और यदि एक एकेडमिक बुद्धिमान एस्ट्रोलॉजर से प्रश्न करोगे तो सोच समझ के करो, तो उसका अगली बार जो है यदि प्रश्न अच्छा नहीं होगा तो कभी मैं फोन नहीं उठाऊंगा उसका, ठीक है। घटिया प्रश्न लेके आओगे तो आदमी घटिया ही बात करेगा फिर, तो टोटकेबाजी से मतलब नहीं, ज्योतिष का कहीं टोटके से मतलब नहीं है ना, घी के दिया तुम उल्टा जलाओ सीधा जलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लाख जलाओ 2 लाख जलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, घी के दिए से वक्त बर्बाद मत करो, धन बर्बाद मत करो, सिर्फ कर्म प्रधान हो, योग वशिष्ठ बोलती है कर्म प्रधान बनिए, पुरुषार्थ करिए। कई शास्त्रों में ऐसे कोटेशन लिखे हैं, गीता में तो लिखा है अपना उद्धार खुद ही करना पड़ेगा, गीता में लिखा आपका खुद का उद्धार, अपनी आत्मा का उद्धार आप खुद ही करोगे। तो फिर यार टोटकेबाजी भी कर लो और मेरे से मत जुड़ो, टोटके वाले जो टोटकेबाज लोग हैं वो मेरे से कभी फोन ना करें, मेरे मैं उनसे उल्टी ही बात करूंगा, ठीक है। घी के दिया से समृद्धि आने लगी तो हो गया यार, ठीक है। अभी हमारा साला कहता है साहब वो गणेश जी सिरा दिए अपन ने, वो कोई पंडित ने कह दिया कि 2 बिंदु घर में लगा देना, मैंने कहा यार, अब फिर मेरे को गुस्सा आई, मैंने कहा यार भाई कम से कम तू तो मत बोल, जब जान रहा है कि घर में पंडित बैठा है ईमानदार पढ़ा लिखा, किताबों की छल्ली लगी है, तो ऐसे दुम छल्ले 2 कौड़ी के टटपंजिया पंडितों की बात क्यों सुनना, जो TV में आके बकवास करते हैं, YouTube में आके बकवास करते हैं, धन कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, सरकार को डोनेशन टैक्स नहीं देते, बड़े बड़े मंदिर बना लेते हैं, लोगों से खूब चंदा उगाते हैं, कोई केवल वास्तु वो बेचता है, रुद्राक्ष की महिमा बताता है, अरे नेपाल के लोग संपन्न हो जाते हैं मेरे भाई, रुद्राक्ष में इतनी बड़ी बात होती, तो कर्मों में बात है इंपॉर्टेंट, जो मुख्य हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए तो हमारी प्रगति होगी। आप बहुत एडवर्स कंडीशन में हो, बहुत सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन आपने ईमानदारी से कर्म कर लिया ना, गीता कहती है कि शरीर यात्रा के लिए कर्म करना पड़ेगा, भैया कर्म करना ही पड़ेगा, गीता कभी भी कर्म त्याग की बात नहीं करती, और जो सन्यासी कर्म त्याग के डर से आया है भगवा पहना है, जो 90% भारत में निकम्मे कुछ नहीं कर पाए तो भगवा पहने और पूरे देश को सत्यानाश कर रखे। तो अब मैं बहुत सारा अपना फिलॉसफी बोलते हैं इसको, फिलॉसफी अपना ज्ञान स्वयं का ज्ञान है ना, किसी से कोई मतलब नहीं, तो ये फिलॉसफी मैं देने में सफल रहा हूँ और फिलॉसफी दे भी लेता हूँ, ठीक है। मैं कॉलेज का पढ़ा लिखा स्टूडेंट हूँ, स्लैट पास किया हूँ मैंने, जो असिस्टेंट प्रोफेसर आदमी के लिए इक्वल होता है, और
जो है कॉलेज में पढ़ाया भी है, तो बुद्धि है मेरे को। तो बुद्धिमान लोगों से जुड़ना, उनसे तर्क करना अच्छा लगता है। टोटकेबाज जो मेरा दर्शक है वो मेरे वीडियो देखे स्वतंत्र है, लेकिन यार टोटके का ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं। आप स्वयं भी टोटकेबाज बनोगे और अपने दर्शक को भी बनाओगे। हो सकता है आप अच्छे पेट पाल लो, अच्छे क्लाइंट मिल जाएं, अच्छे मुर्गे मिल जाएं, धन कमा लो, लेकिन बड़ी दिक्कत है आगे जीवन में, तरक्की नहीं करोगे आप। इतना बोल के मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। हरे कृष्ण।